नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं कि आज क्विक रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज के अंतर्गत भारतीय इतिहास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, इस पे गौर कीजिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेजों की, ऑप्शन बी कर्नाटक के नवाब की, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों की और ऑप्शन डी मराठों की। देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी फ्रांसीसियों की। देखते हैं इसे विस्तार के साथ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1746 से 48 के बीच। और यह जो युद्ध था, इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वह था यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए चल रहा युद्ध, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे इंग्लैंड और फ्रांस। और उसी उत्तराधिकार का युद्ध जो था, उसका परिणाम था भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब, जो उस समय कौन था, अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेजी। और उस समय फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना ने नवाब के सेना को सेंथोमे के युद्ध में पराजित किया। और नवाब की सेना जो पराजित हुई, उसकी संख्या काफी बड़ी थी फ्रांसीसी सेना के समक्ष। तो इस प्रकार इस युद्ध में, जिसमें कि फ्रांसीसियों को जीत मिली, तो इससे फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय नरेशों या राजाओं की युद्ध पद्धति और जो उनकी सैनिक दुर्बलता थी, सैन्य दुर्बलता थी, उससे भी परिचित हुए। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई। तो ऑप्शन देखें, ए वांडिवॉस का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध और ऑप्शन डी पलासी का युद्ध। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वांडिवॉस का युद्ध। और इसे देखते हैं विस्तार के साथ। तो यह जो वांडिवॉस का युद्ध है, यह युद्ध हुआ था कब, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन, आयरकोट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, काउंट लाली। और आयरकोट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने वांडिवॉस के इस युद्ध में काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। और ना केवल इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, बल्कि उसके बाद पांडिचेरी जो फ्रांसीसियों के आधिपत्य में था, वह किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। और यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। और यह सप्तवर्षीय युद्ध कहां चल रहा था, यह चल रहा था यूरोप में। और सप्तवर्षीय इसलिए क्योंकि यह 7 वर्ष तक चला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए कि डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई क्या। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए पंजाब का अधिग्रहण, मतलब पंजाब को एनेक्स करना, ऑप्शन बी निचले बर्मा पर अधिकार, ऑप्शन सी गोद लेने की प्रथा पर निषेध, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ऑप्शन डी अवध का अधिग्रहण। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है डी अवध का अधिग्रहण। देखते हैं इसे भी विस्तार के साथ। तो डलहौजी ने क्या किया कि 1856 ईस्वी को एक नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट थी, उसे किसने तैयार किया था, हैबर ने। तो इस नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट या गैर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर क्या लगाया आरोप कि यहां पर कुशासन है। और इस कुशासन का बहाना बनाकर डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सिंहासन छोड़ने को कहा। और उसके बाद अवध का विलय कर लिया, कहां, ब्रिटिश राज्य में। और यह जो विलय किया गया अवध का, यह डलहौजी की एक राजनीतिक भूल साबित हुई, तब जबकि 1857 के युद्ध में अवध के लोग जो कि अंग्रेजी सेना में थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मतलब यह कि अंग्रेजी सेना में जो अधिकांश सैनिक थे वो कहां से आते थे, अवध से। और
ये जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में जो अवश्य आते थे, वो इस बात से अत्यंत ही दुखित थे कि अंग्रेजों ने अवध का विलय कर लिया था ब्रिटिश राज्य में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल देखें यह कि 1765 ईस्वी में संपन्न इलाहाबाद की संधि में निम्नलिखित में से भागीदार थे। देखिए ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह। ऑप्शन बी मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला। और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और मीर जाफर। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। देखते हैं इसे भी विस्तार के साथ। तो यह जो इलाहाबाद की संधि है, यह दो संधि, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और यह संधि हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और एक दूसरी संधि हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद यह संधि हुई थी किसके साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज के साथ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। चलिए इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें, क्या देखा हमने कब हुई है, 12 अगस्त 1765 को, और इसमें मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दिया है। किन किन क्षेत्रों का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। और इसी प्रथम संधि के अंतर्गत, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी उसके अंतर्गत मुगल बादशाह को क्या मिला, अवध के कड़ा और इलाहाबाद जिले दिए गए, और कंपनी के द्वारा 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की भी व्यवस्था की गई। वहीं इलाहाबाद की द्वितीय संधि के अंतर्गत अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा जो है वह कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए, किसको, मुगल बादशाह शाह आलम को दिए गए, और जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला है उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा इसी संधि के अंतर्गत। और यह कौन सा युद्ध, यह युद्ध बक्सर का युद्ध था। चलिए बढ़ते हैं आगे और यह देखते हैं क्या है, यह है सुमेलित कीजिए। तो देखिए एक तरफ सूची एक और दूसरी तरफ सूची दो, यह है कि इन राज्यों की स्थापना जो है हैदराबाद, अवध, बंगाल और अर्काट, मतलब किनके द्वारा की गई। तो सूची दो में है उनके संस्थापकों के नाम, सादत अली खां, निजामुल मुल्क, सादत उल्लाह खां और मुर्शिद कुली खां, और यही सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए देखें इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है सी, मतलब ऑप्शन जो है वह है सी। तो मतलब यह कि इसकी जो स्थापना की गई थी हैदराबाद राज्य की, किसने की थी, निजाम उल मुल्क ने, और इनका मूल नाम क्या था, चिनकलीस खां। वहीं जो अवध है, अवध राज्य की स्थापना किसने की थी, सादत अली खां ने, और इनका क्या था उपाधि, बुरहान उल मुल्क। बंगाल की किसने की थी, मुर्शिद कुली खां ने, और अर्काट किसने की थी, सादत उल्लाह खां ने। तो इस प्रकार आज हमने क्विक रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज के अंतर्गत इतिहास से संबंधित कुल 5 प्रश्नों को देखा, और मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि यह जो सीरीज प्रारंभ किया गया है इसका उद्देश्य है कि एक आसान तरीके से इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को और कुछ प्रमुख अवधारणाओं को आपके समक्ष रखना, और वह भी रिविजन के उद्देश्य से। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।